चले केवल इनके रास्ते में। और पहला बड़े हुए मिलिया विकेट वीरू बाबा के लगा बहुत बड़ा विकेट। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान की ओर आए हीरेन्द्र प्रजापति जो है आरा रीबड़ा के कप्तान जितेश। ये गेंद हल्के हाथों से गेंद को सिली मिड ऑफ की ओर तक शॉट कवर का गेंद को खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे। इकलौता सिंगल की शायद इसी क्रम के साथ काउंट शुरू होता हुआ यहां पर आर आर फाउंडेशन रीबला का। चले ठीक है इसे एक छोटी से रनअप के साथ अगली गेंद महपाल सिंह चावड़ा को सीधे बल्ले से गेंद को निकाला बोले फ्री में गेंद को फील्ड करने का प्रयास लेकिन गेंद नहीं चाहती थी। शॉट स्क्वायर की तरफ निकले महपाल सिंह चावड़ा दूसरे रन के लिए और आसानी से दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज ने फील्ड किया। इन दो रनों के साथ अकाउंट आगे बढ़ता हुआ पहुंचा तीन का रन एक का विकेट का नुकसान पर जबकि हुआ नंबर पहला चलता हुआ। गेम करेंगे हीरेन राम महपाल सिंह चावड़ा को अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को निकाला है डीप शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर। इस बीच एक रन और इसी रन के साथ हेलो टीम का स्कोर चापे चार चार। अगली गेंद हीरेन प्रजापति ने निकाला था खतरा बना है लेकिन देख रहे डायरेक्ट हिट देख रहे प्रश्न पूछ दो लेकिन महपाल सिंह चावड़ा इतने चौकन नहीं कितने तेज रन बैटिंग में और तेजी के साथ विकेट के ऊपर पहुंचे कोई नुकसान नहीं कोई रन नहीं दो एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा पांच रन एक विकेट का नुकसान पर। चलो जीते इस ओवर में अगली बार उठाकर माया है गेम जाती बिलोवन के ऊपर से हर ही रास्ते से निकले छह रनों के लिए इन छह रनों के साथ टीम का स्कोर चार पहुंचा पहली ओवर की समाप्ति पर ग्यारह रन का विकेट का नुकसान पर आर आर फाउंडेशन रीबड़ा। हेलो अब देखना है गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर देखना है हम वन देखने को इतना नहीं मिलता है इसे बड़े मंच में लेकिन एक बड़ा क्रिकेट की दुनिया में काफी बड़ा नाम हर धांगद्रा से ताल्लुक रखने वाले सिकंदर भट्टी काफी बिजी मैन क्रिकेट में की दुनिया में वो आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। आर आर फाउंडेशन रीबड़ा ने टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए 11 रन के नीचे ऊपर एक विकेट गंवा चुकी है सिकंदर भट्टी। चलो सिकंदर पहली गेंद ऑन साइड में धकेला है गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से नहीं हवाई रास्ते से नहीं जमीन से होती हुई निकली चार रन के लिए चार रन के साथ टीम का स्कोर चाह पहुंचा 15 रन एक का विकेट का नुकसान था जबकि वो नंबर दूसरा चलता हुआ। जीवन विकलांग सेवा से हलवद बचाव के द्वारा एक सुंदर सी पहल सुंदर सा आयोजन काफी सुंदर मेहनत है सिक्सर्स ने यहां पर। चलो सिकंदर भट्टी एक बार भी उठाया लेकिन इस बार सिली मिड ऑफ का खिलाड़ी ने अपना विकेट नंबर दो सिकंदर भट्टी ने अपने दिमाग का उपयोग किया और एक और बहुमूल्य विकेट हीरेन प्रजापति का मिला है 15 रन बने हैं दूसरा विकेट गंवाती हुई यहां पर। इसलिए नवजीवन विकलांग सेवा से हरद बचाव के मुख्य आयोजक माने जाने वाले इस टूर्नामेंट के
काफी अच्छी सोच अच्छी विचार के साथ ही ये टूर्नामेंट शिक्षक श्रीओ ने एक अच्छी पहल की, एक अच्छा विचार रखा। और मुख्य आयोजक है इस टूर्नामेंट के जितेंद्र भाई जोशी, और इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर निमेश भाई भालोडिया, आयोजक सोलंकी सुनील भाई, कौशिक भाई चौहान, रेनिस भाई फुलेत्रा, अक्षय भाई और बादशाह भाई, जो कि इनकी जहमत और मेहनत रंग लाती हुई, एक ही उद्देश्य, इन लोगों की एक ही मेहनत और एक ही विचार है। काफी दाता श्रीओ ने यहाँ योगदान दिया है, इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी रोकड़ रकम दी है और एक ही उद्देश्य है इस टूर्नामेंट का, जितना भी ज्यादा यहाँ फंड इकट्ठा हो वो सारा फंड विकलांग लोगों में यूज किया जाएगा। अब देखना है नई बल्लेबाज जोगी राजन, नए बल्लेबाज जोगी राशि जलाचन भया तो चुकर जो ओके जोगी राशि चल आए हैं नए बल्लेबाज हीरेन फरजाफजी के आउट होने के बाद। तो देखिए सिकंदर भट्टी ने भी अपने पहली ओवर में एक विकेट दिलाए हैं, जबकि जितेश ने भी एक विकेट दिला। चले सिकंदर भट्टी इस ओवर में अगली बार। पहली गेंद हल्के हाथों से गेंद को निकाला है दीप स्क्वेल की तरफ, खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करे, एक एक लौटा सिंगल, इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जब हो जाए 16 रन। सिकंदर भट्टी इस ओवर में चौथी बार मैथासी चावड़ा के लिए। ये गेंद स्वीप किया है खिलाड़ी ढूंढा है, लेकिन गेंद चाहिए डीप स्क्वायर के बाहर, ठीक है ऊपर से चार रन के लिए। देखते रहे सिकंदर भट्टी किस तरीके का स्ट्रोक है, यहां पर मैथासी चावड़ा का फेवरेट स्कोर स्ट्रोक माना जाता है और 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जब हो जा 22 रन तो विकेट का नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। सिकंदर भट्टी आज बड़े मंच पर एक अच्छी बल्लेबाजी महिपाल सिंह चावड़ा की, समझ रहे हैं कि दो बल्लेबाज जल्दी से बॉलिंग के रास्ते में पहुंच चुके हैं। ये गेंद ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद को देखा पर कब्जा ने दिया विकेट पर के दस्तान में, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, वो नंबर है दूसरा चलता हुआ। सिकंदर महिपाल सिंह चावड़ा के लिए काफी अच्छी गेम सिली मिडाउन का, जब तक शॉट लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, शॉट मिडाउन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे, ओवर की समाप्ति दो ओवर की समाप्ति पर 22 रन दो विकेट का नुकसान पर, टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई आरआर फाउंडेशन रीबड़ा। एक बड़ा नाम है राजकोट की धरती का सदाम काकू का भी क्रिकेट की दुनिया में, अगली गेंद जितेश की हल्के हाथों से निकाला है सदाम काकू गेंद के बल से अपने, लेकिन पहले हाथ से गेंद आती तो निश्चित तौर पर खतरा होता, इस बीच में एक रन, उसी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 23 रन तो विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट का ये 8वां दिन यूटी स्पोर्ट के माध्यम से यह लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ, कैमरामैन तनवीर खान, ऑपरेटर आवेश खान और क्रिकेट हीरोज का स्कोरर मोहसिन खान मोइन खान और मेरे दो सक्षम अंपायर साकिर खान और नेमीज भाई भालोडिया सर। अगली गेंद ऑन साइड में निकला है खिलाड़ी, देखना है लेकिन दर्शक बना रहेगा, गेंद पहुंची सीमा पर 4 रनों के लिए। महिपाल सिंह चावड़ा यहां पर बड़े मंच पर आज काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में भी क्या लाजवाब बल्लेबाजी महिपाल सिंह चावड़ा के द्वारा देखी गई थी। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 27 रन दो विकेट का नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर तीसरा चल दबा जितेश महिपाल सिंह चावड़ा के लिए। अगली गेंद हवा में उड़ी है, खुद विकेट रिबा, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे एक बड़ा विकेट नंबर 3।
एक बड़ा विकेट महिपाल सिंह चावड़ा का भी काफी नाखुश हो गया। महिपाल सिंह चावड़ा जिस तरीके का स्ट्रोक खेलना चाहता पिछले कदमों पर जाकर गेंद को मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकालने का प्रयास में अपना विकेट दे बैठे हैं। आर आर री बनाकर 27 रन बने हैं, 3 विकेट गंवा चुके हैं बातों बातों में। जी द्वारकाधीश ने जो टॉस जीत कर फैसला किया है वो लगभग कुछ हद तक कहा जा सकता है ये सही साबित होता हुआ। कप्तान ने पहले सोचा था कि बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन देखते हुए समझते हुए उसके बाद अंतिम समय पर उन्होंने निर्णय लिया कि यहां हम पहले गेंदबाजी करेंगे और उसके ऊपर कप्तान के निर्णय के ऊपर गेंदबाज खड़े उतरते हुए, क्योंकि ओवर नंबर तीसरा चल रहा है, 3 गेंदे हुए हैं, 27 रन बने हैं और 3 विकेट गंवा चुके हैं आर आर री बड़ा। मामा ऊपर रखी दियो ने, अरे स्टेज काम नु है तो हूं करो एठी राखवे। सुनील भाई ऊपर रखा यार, नीचे खोटो रखता ज नहीं। सौराष्ट्र की एक बेस्ट चैनल सुपर चैनल काफी अच्छा अपना लाइव टेलीकास्ट दिखाती हुई चारों तरफ यूटी स्पोर्ट का अच्छा लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ ये 7-8वें दिन से भी इसके ग्राउंड के ऊपर चलता हुआ लाइव नवजीवन है विकलांग सेवा से हरवत बचाओ का लगातार ये 8वां दिन और 8वें दिन से भी यूटी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ। जीते इस गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना कर गए बल्लेबाज भरत राम प्रो माधुरी। अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को निकाला है शॉट मिड ऑफ की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करे एक लौता सिंगल के साथ अपना काउंट शुरू किया भरत राम ने। इसी रन के साथ टीम का स्कोर 28 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वापस जीते इस चले इस ओवर में अगली बार जो कि राज जाला के लिए काफी अच्छी गेंद अपनी रडार में आया गेंद को निकाला लोगों के ऊपर से हवाई रास्ते से चीरती हुई निकली सीमा पर छह रन निकले। इन छह रनों के साथ आर आर री बड़ा का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन 3 विकेट गंवा चुके हैं बातों बातों में। लेकिन काफी अच्छे रन बनते हुए रन आते हुए जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, क्योंकि गहरी बल्लेबाजी मौजूद है रीबड़ा के पास। अगली गेंद इस गेंद को स्वीप करने का प्रयास, लेकिन सनी से लगती हुई गेंद गई शॉट मिड ऑफ के ऊपर, जब तक सिकंदर भट्टी गेंद को फील्ड करे कोई रन नहीं। अंपायर का इशारा तीसरे ओवर की समाप्ति का, 3 ओवर की समाप्ति पर 34 रन बना है 3 विकेट का नुकसान पर। एक बार फिर यहां आंख भी लगता है काफी अच्छी हवा चलती हुई, तेज हवा चलती हुई ग्रीन फील्ड क्रिकेट ग्राउंड राजकोट की धरती के ऊपर सिकंदर भट्टी सामना करेंगे भरत राम। काफी अच्छी गेंद हल्के हाथों से गेंद को स्वीप किया है, गेंद जाती हुई डीप थर्ड मेन एरिया पर, जब तक वहां गेंद को फील्ड करे। इस बीच में इकलौते सिंगल से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 4 चलता हुआ सिकंदर भट्टी का बॉलिंग विशेषण 1 ओवर 1 गेंद 12 रन 1 विकेट। सिकंदर भट्टी गेंद करेंगे बल्लेबाज योगीराज जाला को, 4 गेंदों पर 8 रन बनाकर खेलते हुए, जब तक भरत राम 2 गेंदों का सामना किया है 2 रन बनाए। चले सिकंदर भट्टी शवर में अगली बार, अच्छी गेंद थी काफी अच्छी गेंद थी, सीधे बल्ले से गेंद को निकाला था और देखना है अंपायर स्टंप पर टकराई थी गेंद। दोनों ही टीम
इस बीच सिकंदर भट्टी गेंद करके बल्लेबाज जोगीराज राणा को। चले सिकंदर भट्टी एक छोटे से रन आपके साथ, काफी अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद इस गेंद को जोगीराज राणा ने आड़े बल्ले से गेंद को निकाला है, डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करे एक रन। अमूमन इतना दिखा नहीं गया है सिकंदर भट्टी को गेंदबाजी करने के, लेकिन अब ऑलराउंडर की भूमिका आजमाते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी। 2 ओवर 3 गेंदें 13 रन 1 विकेट 36 रन 3 विकेट का नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर 4 प्रगति पर भट्टी चले इस ओवर में भरत राम के लिए। रिवर्सिप क्या है, हवा में उड़ी है, खिलाड़ी को ढूंढा है और यहां पर बड़ा विकेट मिलना चाहिए था, लेकिन बड़ा एक कैच ढूंढा, लेकिन आसान सा कैच हो सकता है, यह गवा दिया। भरत राम का जीवन दान कितना महंगा साबित होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। गेंद तक वहां पर खिलाड़ी पहुंच चुके थे, लेकिन सिकंदर भट्टी ने अपनी जाल में फंसा लिया था बल्लेबाज को। एक जीवन दान महंगा साबित होगा क्योंकि भरत राम भी काफी ऑलराउंडर की भूमिका है उनके पास, लगातार क्रिकेट से जुड़े हुए भरत राम। सिकंदर भट्टी गेंद करेगा बल्लेबाज जोगीराज रजाला को। अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, अपनी घुमा में अपने वेरिएशन से जोगीराज जाला को परेशान करते हुए मजबूर करती हुई गेंद विकेट पर के दस्तान में, कोई रन नहीं। सिकंदर भट्टी इस ओवर में आखिरी बार सामना करेंगे जोगीराज सिजाला। चले भट्टी अगली गेंद, इस गेंद को आड़े बल्ले से निकाला है, खाली क्षेत्र में देख रहा है ग्रीप, मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक गेंद के ऊपर जबड़े फील्ड करे थ्रो करे अंपायर का इशारा, चौथे ओवर की समाप्ति का, 4 ओवर की समाप्ति पर 38 रन 3 विकेट का नुकसान पर टॉस जीत कर टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई आरआर फाउंडेशन री बड़ा। एक अच्छी बातचीत होती हुई कप्तान माफी चाहेंगे सदाम कक्कू का व्यू लेते हुए, सदाम कक्कू से पूछते हुए, क्योंकि का अनुभव का भरमार कहा जा सकता है, अनुभव का खजाना कहा जा सकता है, कई सालों से क्रिकेट से जुड़ा हुआ ये बंदा और क्रिकेट के में काफी बड़ा राज है, काफी बड़ा नाम है सदाम कक्कू का। तो उनसे पूछा, उनसे सलाह ली, लेकिन उसके बाद सिकंदर भट्टी ने उससे बातचीत करने के बाद अब गेंदबाजी में परिवर्तन होने जा रहे हैं। अब देखना है गेंदबाजी के मोर्चे पर, भाई गोपाल छे बॉलर कौन छे, प्रवीण आए हैं, प्रवीण आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। जितेश की जगह पर जितेश का बॉलिंग विषय था, 2 ओवर 23 रन 2 विकेट, जबकि सिकंदर भट्टी ने पहली गेंद आप सबके बाहर निकलती भी गेंद को निकालने का प्रयास, लेकिन वहां पर एक आसान सा कैच करवा दिया, जोगी राशि चाला को भी एक जीवन दान मिलता हुआ, यह गहरा मारेगा, यह महंगा पड़ेगा यहां पर जय द्वारकाधीश को। अरे मेरे कैमरामैन ने देखा कि वहां पर कौन खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है राजन पंचाल जिन्होंने 2 कैच गवाए हैं, आसान से कैच, दोनों ही बल्लेबाज भरत राम और जोगी राशि चाला को जीवन दान कितना महंगा होगा वो कुछ समय के बाद बताएंगे। जबकि भरत राम 3 रन पर उनका कैच छोड़ा था, जबकि योगी राशि जाला का 10 रन के निजी पर कैच छोड़ा है। ये गेंद ड्राइव करने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छी लाइन लेग से खड़े गेंदबाजी करते हुए मुश्किलों में खस्ती हुई यहां पर आर आर री बड़ा। जरूर एक मिनट, इस बीच अगली गेंद और भरत राम ने उड़ाया है, लेकिन खिलाड़ी को ढूंढा और उनके आगे गिरते हुए निकले बल्लेबाज निकले 1 रन के लिए, वैसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर 40 रन 3 विकेट का नुकसान पर। इस
बीच प्रवीण गेंद करेगा बल्लेबाज जोगी राजसी जाड़ा को। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, एक अपील होती हुई एक पैसे दूसरे रन के निकलते जाते हैं परसराम, लेकिन और अंपायर स्ट्राइकर अंपायर जाते हुए स्क्वायर अंपायर से कुछ पूछने के लिए एक विकेट कीपर ने एक अपील की थी, लेकिन देखना है उस अपील में क्या निर्णय लेंगे हम दोनों ही अंपायर। 40 रन बने हैं, 3 विकेट गवा चुकी हैं। नेट आउट का इशारा, 4 ओवर 4 गेंदें 40 रन 3 विकेट। आरआर रीबड़ा आरआर फाउंडेशन रीबड़ा टॉस हार कर बल्लेबाजी करते हुए एक बड़े मंच पर मेगा सेमीफाइनल चलता हुआ ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड राजकोट में। चले प्रवीण इस ओवर में जोगीराज सिंह को, इस बार समय मिला गेंद को उठाया हवा को चीरती हुई गेंद निकली है आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता दौड़ता भागता चलता पहुंचा है आरआर फाउंडेशन रीबड़ा का स्कोर 46 रन 3 विकेट का नुकसान पर ओवर नंबर 5वां चलता हुआ। काफी दूर जाने के बाद एक बार फिर वापस गेंद आती हुई गेंदबाज प्रवीण के पास। चले प्रवीण इस ओवर में आखिरी बार एक बार भी उठाया है राजन बंसल गेंद के नीचे, लेकिन उनके आगे गिरते हुए निकले हैं बल्लेबाज दूसरे रन के लिए, लेकिन अंपायर का इशारा है 4 रनों का। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट का नुकसान पर 50 रन अच्छी स्थिति में होती हुई आरआर फाउंडेशन रीबड़ा, जहां पहले फंसी हुई थी विकेटों की छड़ी लगी हुई थी, लेकिन परतराम और जोगीराज सिंह जाला ने वापसी कराती हुई टीम को एक अच्छी स्थिति में रख दिया है। तू बोला मा, तू बोला मा। सिकंदर भट्टी चले गेंदबाज उठाकर मारा है गेंद हवा में, खिलाड़ी लोग दर्शक बने रहेंगे गेंदबाजी लोग उनके ऊपर से 6 रनों के लिए। तो 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर सिकंदर भट्टी। काफी अच्छी गेंद निकालने का प्रयास, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, 56 रन 3 विकेट का नुकसान पर। सिकंदर एक बार फिर हसी दे बल्ले से गेंद को निकालने का प्रयास निकाला है, सिकंदर भट्टी ने गेंद को फील्ड करने का बोले थ्रू में प्रयास, लेकिन उनसे गेंद रुके नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ, जब तक गेंद कर जीते इस गेंद को फील्ड करे वैसे करण की शॉट, टीम का स्कोर जा बोझा 57 रन 3 विकेट का नुकसान पर ओवर नंबर 6 चलता हुआ। सिकंदर भट्टी अगली गेंद अब तब के काफी बाहर निकलते हुए गेंद अंपायर साकिर खान का इशारा वाइड का, एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पूछा 58 रन 3 विकेट का नुकसान पर। ग्रीनफील्ड क्रिकेट ग्राउंड राजकोट की धरती पर एनबीएस चैंपियन ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल, इस बार जोगीराज राणा ने बगा निकाला है गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए आउट ऑफ द पार्क गेंद हवाई दस्ते से। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 72 रन
टीम ने विकेट के नुकसान पर। चौसठ रन तीन विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर छठा चलता हुआ। ओके टुकी चालू कर जो अंपायर, अंपायर ओके टुकी चालू कर जो। एक बार फिर सिकंदर भट्टी चल रहे इस ओवर में, अगली बार सामना करके जोगीराज ज्यादा। सीधे बल्ले से गेंद को निकाला है, जाते बिलोंग ऑफ की तरफ जीते इस गेंद को फील्ड करे, सफाई से गेंद को फील्ड किया एक रन से संतोष, विशेष रन के साथ टीम का स्कोर जा भेजा 65 रन तीन विकेट के नुकसान पर। सिकंदर अब इस ओवर में आखिरी बार सामना करके बल्लेबाज भरत राम 11 रन बनाकर खेलते हुए 8 गेंदों का सामना किया है, जब तक जोगीराज 14 गेंदों पर 28 रन की पारी खेलते हुए। चले सिकंदर इस ओवर में, ओवर 36 रन एक विकेट, एक जीवदान भी बड़ा मिला है इसके ओवर में। प्रवीण चले अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद थी, गेंद को निकाला है डीप लॉन्ग ऑन के लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकला 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर चाप पहुंचा 75 रन। दोनों ही बल्लेबाज को एक एक जीवदान यहां जय द्वार का बीस के दिया है, वो कितना महंगा साबित होते हुए राजन पंचाल के द्वारा दोनों को कैच छोड़े गए हैं। 32 के नीचे ऊपर पहुंचे हुए जोगीराज, जो कि कैच छूटा था तब वो 10 रन के नीचे ऊपर थे। चले प्रवीण उछाल लेती हुई गेंद को निकाला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकला, गेंद पहुंची सीमा पर 6 रनों के लिए। और इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 81 रन तीन विकेट का नुकसान पर। लगातार लाइन से भड़कती हुई गेंदबाजी यहां पर जय द्वारका दीस की। दोनों ही बल्लेबाज को जी जी वरदान मिले हैं वो महंगे साबित होते हुए जय द्वारका दीस के ऊपर। यहां स्कोर 81 रन तीन विकेट का नुकसान पर ओवर नंबर 6-7 चलता हुआ। और जोगीराज रैना चले हैं अपने अर्धशतक की ओर। क्या लाजवाब बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, जिसे पहले ही 2 विकेट जल्दी गिरने, 3 विकेट जल्दी जल्दी गिरने के शायद इन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इसकी बात की जाए भरत राम और जोगीराज राणा की, तो 23 गेंदों पर 54 रन की पार्टनरशिप कर चुके हैं ये दोनों बल्लेबाज। अफ्टम के बाहर निकलती हुई गेंद को पाइडर गली के बीच से निकाला है, देख रहे हैं दो खिलाड़ी गेंद का पीछा करे, देखना अंपायर का इशारा, 4 रनों का यह रन बन नहीं रहे बरसते हुए इस ओवर में। जा पूछा स्कोर 85 रन तीन विकेट का नुकसान पर ओवर नंबर 7 चलता हुआ। प्रवीण लगातार लाइन से भड़कती हुई गेंदबाजी, इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और यह गेंद सीमा पार हुई 4 रनों के लिए। चला है जोगीराज जाला सीना थाम के, क्या लाजवाब बल्लेबाजी, लगातार इस ओवर में रन बरसते हुए 89 रन तीनों विकेट के नुकसान पर। चले गेंदबाज मेरे प्रवीण एक बार फिर हेलीकॉप्टर उड़ाए हैं, गेंद पहुंची आउट ऑफ द बॉक्स सीमा पर 6 रन के लिए। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, माफी चाहेंगे देर हुई हमें कहने में,
सिक्सर और चार बाउंड्री आई है। लाजवाब बल्लेबाजी बड़े मंच के ऊपर जब टीम फंसी हुई थी तब जोगीराज जाला का यह अर्धशतक आता हुआ। प्रवीण जोगीराज जाला के लिए एक बार फिर गेंद निकली है लोगों के ऊपर से हवाई रास्ते को चीरती हुई गेंद को पहुंची गेंद दर्शक दीर्घाओं में छह रन के लिए। और इसके साथ ही सात ओवर की समाप्ति पर आरआर फाउंडेशन रीबड़ा के 101 रन तीन विकेट के नुकसान पर। अब देखना है गेंदबाजी में परिवर्तन होने जा रहा है ऐसा दिखाई देता हुआ। सात विकेट के नुकसान पर माफी चाहिए सात ओवर की समाप्ति पर तीन विकेट के नुकसान पर 101 रन 27 गेंदों का सामना किया है जोगीराज राणा और भरत राम ने। जोगीराज राणा और भरत राम ने 27 गेंदों पर दोनों ने मिलकर 74 रन की बात नसीब की है इन 101 में। पहले तीन विकेट जल्दी जल्दी गिरने की शर्त। पहली गेंद वहां पर भरत जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी निजाम जब तक गेंद को फील्ड करे इकलौता सिंगल और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर तीन विकेट के नुकसान पर। राजन पंचाल आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। राजन पंचाल अब राउंड विकेट गेंदबाजी करके बल्लेबाज जोगीराज जाला को जोगीराज सिंह जाला को 20 गेंदे 58 रन के ऊपर खेलते हुए चले राजन पंचाल। चूंकि राशि राजा जाला ने देखा पर खा गेंद को देखा कि काफी ऑप्शन के बाहर है जाने देखा विकेट पर के दस्ताना में कोई नहीं है उसके साथ अंपायर का इशारा व्हाइट करता हुआ एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है तीन रन 103 रन तीन विकेट के नुकसान पर। राजन पंचाल अगली गेंद और इस बार हवा में उड़ी है विकेट रिपर गेंद के नीचे और एक कैच ड्रॉप। क्या जोगीराज जाला का ये दिन है ये नाइट ये मुकाबला ये बड़ा मंच है जोगीराज जाला को सपोर्ट करता हुआ समय सपोर्ट करता हुआ एक आसान सा कैच एक और गवाते हुए वहां पर विकेट रिपर जोगीराज जाला का दूसरा जीवन दान। जब पहला जीवन दान मिला था तब जोगीराज सिंह जाला 10 रन के निचोक पर थे और दूसरा कैच गवाया तब जोगीराज सिंह जाला 58 रन के निचोक पर थे। चल पंचाल भरत राम ने उड़ाए हैं लोगों के ऊपर से निकली है गेंद आउट ऑफ द पार्क पहुंची है चारों के लिए। इन चेरों ने घिसा आज टीम का स्कोर जा पहुंचा 110 रन तीन विकेट का नुकसान पर हुआ नंबर 8वां चलता हुआ। लगातार दोनों ही बल्लेबाज अब हर गेंद को फ्री हिट समझते हुए भरत राम पहुंचे हैं 11 गेंदों पर 24 रन पर जिनमें तीन सिक्सर उनके बल्ले से आए हैं। अभी भी काफी गहरी बल्लेबाजी आरआर फाउंडेशन रीबड़ा के पास मौजूद है। जयराज सिंह रावल भैया जैसे हार्ड हिटर बल्लेबाज मौजूद है जबकि कुलदीप रावल की बात की जाए तो उन्होंने बड़े मंच में अभी अभी कुछ टूर्नामेंट में क्या लाजवाब बल्लेबाजी अकेले दम से टीम को जिताए हैं। अभी कुछ देर पहले सेठ वठारा में एक गेंद पर 6 रन चाहिए थे 94 रन की पारी खेली थी 6 रन लगाकर फाइनल में पहुंचा डाल के हाथों से खेला है लेकिन शॉर्ट टर्न के खिलाड़ी के आगे गिरती हुई और वहां से मिस मिली हुई है निकले भारत राम दूसरे रन के लिए। अब दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इन दोनों की शाह टीम का स्कोर जा पहुंचा है 112 रन। क्रिक हीरोज की बात की जाए तो ये क्रिक हीरोज में लाइव स्कोर 653 लोग लाइव स्कोर देखते हुए ये मुकाबले का क्रिक हीरोज में इस ओवर में पांचवी बार राजन पंचाल इस गेंद को निकाला है गेंद जाती हुई इसीलिए
पॉइंट के ऊपर जब तक गेंद का फील्ड कर एक लौता सिंगल भी एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 113 रन। उबेस कितना लाइव हमें लाइव कितने इस्माइल है 600 थे ऊपर क्रिकेट रोज चलो पंचाल अगली गेंद जोर से निकाला गेंद को मिड विकेट की तरफ अगला खिलाड़ी मौजूद देख रहे हैं दूसरे रन के लिए जाएंगे भरत राम तैयार थे निकलना चाहते थे दूसरे रन के लिए अंपायर का इशारा ओवर की समाप्ति का 8 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई आर आर फाउंडेशन रीबड़ा 114 रन 3 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट जल्दी जल्दी 2-3 विकेट गिरने की शायद वापसी करती हुई एक अच्छी पार्टनरशिप बनती हुई अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो 33 गेंदों पर इन दोनों बल्लेबाजों ने 87 रन की बल्लेबाजी की है पार्टनरशिप होती हुई। अब गेंदबाजी के मोर्चे पर कप्तान ने राजन पंचाल अभी गेंदबाजी करे तो उनका बॉलिंग विशेषण देखा जाए 1 ओवर 13 रन कोई विकेट नहीं एक विकेट मिलता था आसान सा कैच विकेट कीपर के द्वारा गवाया था। अब आए हैं निजाम हैदर गेंदबाजी के मोर्चे पर अच्छे गेंदबाज निजाम हैदर चले गेंदबाज अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंद सम्मान देते हुए सामने की ओर जोगीराज सिंह झाला ने गेंद को धकेला कोई रन नहीं यहां से अभी भी 11 गेंदों का खेल बचा हुआ है। निजाम हैदर एक छोटे से रन की शाद अगली गेंद उठाया है कमर के ऊपर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं देख रहा है डीटीएक्स कमर का खिलाड़ी सब तक जाकर कमर के एरिया पर फील्ड करे बल्लेबाज निकले दूसरे रन के लिए ओवर थ्रो के रख में चली लेकिन बैकअप कर रहे थे वहां पर खिलाड़ी उसी एक रन के 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 116 रन 3 विकेट का नुकसान पर जबकि ओवर नंबर 9 में चलता हुआ निजाम काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में तीसरी बार निजाम हैदर ये गेंद काफी अच्छी घुमाव लेती हुई गेंद वाइड का इशारा एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 117 रन निजाम काफी अच्छी घुमाव लेती हुई गेंद डालते हुए योगीराज सिंह झाला को इस बार समय मिला गेंद को निकाला ऑन साइड में खिलाड़ी मौजूद सफाई से गेंद को फील्ड किया बल्लेबाज ने छोड़ बदलने के साथ रन मिला रन मिलने के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 118 रन। नवजीवन विकलांग सेवा से हरोद बचाव के द्वारा एनवीएस चैंपियन ट्रॉफी एक अच्छी पहल शिक्षक के द्वारा यह टूर्नामेंट का आयोजन किया सोचा समझा फिर टूर्नामेंट का आयोजन किया उनकी एक ही पहल एक ही सोच एक ही विचार यहां से ज्यादा जैसे ज्यादा फंड इकट्ठा हो अगली गेंद एक गेंद काफी ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद को आ रहे बल्ले से मिड विकेट का ऊपर से निकाला 6 रनों के लिए इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 124 रन और भरत राम जा पहुंचे हैं 14 गेंदों पर 33 रन बनाकर। यहां शिक्षक सीओ का एक ही पहल एक ही उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा फंड इकट्ठा और यहां से जितना भी फंड इकट्ठा होगा काफी दाता सीओ ने यहां फंड दिया है और काफी लोगों की मेहनत रंग लाती हुई फंड जितना भी इकट्ठा होगा यह सारा फंड विकलांग लोगों में यूज किया जाएगा। भरत राम गेंद करेंगे बल्लेबाज जोगी भाई थोड़ा ओके ओके तमीजान इस ओवर में 5वीं बार भरत राम के लिए हूँ ना हूँ अंपायरिंग में रहता हूँ ना अंपायरिंग में हूँ रहता हूँ ना तो गाय गाँव के एकदम उसको इस बीच हो इस ओवर की अगली गेंद काफी अच्छी गेंद थी निकाला है लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद सफाई से गेंद को फील्ड किया और इसी रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 125 रन 3 विकेट का नुकसान पर। ओवर नंबर 9 में की आखिरी गेंद करेंगे गेंदबाज निजाम हैदर और जबकि सामना करेंगे बल्लेबाज जोगीराज सिंह झाला
63 રન ઓકર પર ખેલતે હોય જોગી રાસી જારા इस गेंद को उड़ाया है, काली क्षेत्र में गेंद निकली है, देखने खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद पहुंची सीमा पर 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ भरत राम और जोगीराज सिंह जाला की पार्टनरशिप 102 रन की हो चुकी है। 39 गेंदों पर यह 102 रनों की पार्टनरशिप, क्या लाजवाब पार्टनरशिप। जब टीम फंसी हुई थी तब इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम को निकाला है, सवारा है, सजाया है और एक अच्छे स्कोर की तरह अग्रसर करती हुई 39 गेंदों पर 102 रन की लाजवाब अर्धशतक शतकीय पारी होती हुई 67 रन बनाकर खेलते हुए जोगीराज सिंह जाला, जबकि भरत राम 34 रन बनाकर खेलते हुए। अब इस आखिरी 6 गेंदों का शेष खेल बचा हुआ है पहले सेमीफाइनल की पहली पारी की। अगली गेंद काफी स्लो बन छोड़ी थी, भरत राम ने बल्ला चलाया था, गेंद जाती हुई मिड विकेट के ऊपर है। जितेंद्र जब तक गेंद को फील्ड कर रहा, दूसरा रन भी पूरा किया भरत राम ने। इन दोनों के साथ भरत राम पहुंचे 38 के ऊपर, 36 के ऊपर और टीम का स्कोर जा पहुंचा 31, 131 रन तीनों विकेट का नुकसान पर। क्या भरत राम अपना अर्धशतक बड़े मंच पर पूरा करेंगे। अगली गेंद इस गेंद को निकाला है लॉग ऑन की तरफ, दो खिलाड़ी गेंद के बीच है, देखना है दिशा में, इधर तक गेंद को फील्ड करें, निकले बल्लेबाज दूसरे रन के लिए और दूसरा रन भी आसानी से पूरा किया। इन दोनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 133 रन तीनों विकेट के नुकसान पर। भरत राम सब अगली गेंद उठा कर खेला है लॉग आउट की तरफ, खिलाड़ी मौजूद मिस मिली हुई है, लेकिन एक रन से संतोष करते हुए दोनों बल्लेबाज एक रन के साथ टीम का स्कोर जा भेजा 134 रन तीनों विकेट के नुकसान पर। अभी भी यहां से 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है 67 के ऊपर खेलते हुए जोगीराज सिंह जाला, जबकि भरत राम 39 रन बनाकर खेलते हुए 18 गेंदों पर 107 रन की पार्टनरशिप होती हुई यहां पर चले राजन पंचाल जो भी राशि चालक लिए। उठा लेती भी गेंद, गेंद को निकाला है बॉलर स्टेप ड्राइव लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, जब तक गेंद के ऊपर जब तक फील्ड करें, लेकिन एक रन से संतुष्ट करते हुए दोनों बल्लेबाज इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 135 रन तीनों विकेट का नुकसान पर। भरत राम को चाहिए अगर अपना अर्धशतक मुकम्मल करना है तो दो हवाई रास्ते से निकलना है स्ट्रोक। 39 रन बनाकर खेलते हुए भरत राम, राजन पंचाल भरत राम के लिए। पहली गेंद निकाला है मिड विकेट के ऊपर से हवाई रास्ते को चीरती हुई निकली आउट ऑफ द पार्क 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 141 रन। भरत राम जो पहुंचे हैं 45 रन के ऊपर, क्या भरत राम सिक्सर लगाकर समाप्त करेंगे पहली पारी और अपना अर्धशतक भी। राजन पंचाल इस ओवर में आखिरी बार, सेमीफाइनल की पहली पारी की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी नीचे है, नतीजा विकेट नंबर 4। 45 रन की बहुमूल्य पारी खेलकर भरत राम आउट हुए हैं तो यहां पर आरआर फाउंडेशन रीबड़ा ने टॉस हार कर बल्लेबाजी करती हुई निर्धारित 10 ओवर में 141 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर।
जय द्वारकाधीश के कप्तान से निवेदन है अपने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द भेज दे। जय द्वारकाधीश के कप्तान से निवेदन है अपने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द भेज दे। 141 रन बना है आरआर फाउंडेशन भी बढ़ाने। काफी अच्छी मेहनत रंग लाते हुए यहाँ पर शिक्षक श्री ने एक पहल की, एक सोच विचार कर रही और उसके बाद एक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक, मुख्य टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर जितेंद्र भाई जोशी, टूर्नामेंट के डायरेक्टर निमेश भाई बालोदिया, आयोजक सुनील भाई, कौशिक भाई चौहान, रेनिस भाई फुलेत्रा, अक्षय भाई और सबसे बड़ी मेहनत बादशाह भाई की भी काफी बड़ी मेहनत है। बादशाह भाई ने काफी अच्छा सहयोग दिया है, यहाँ सपोर्ट दिया है और हर दिन यहाँ अपनी हाजिर रहे हैं। काफी अच्छा सहयोग है बादशाह भाई का यहाँ पर। और बात की जाए बादशाह भाई की तो एक बड़ा आयोजन करने जाती है बादशाह भाई की टीम, रावल भाई, बादशाह भाई, शक्ति सिंह भाई और माफी चाहेंगे उसके दूसरे के मेरे पास नाम नहीं, लेकिन ये एक बड़ा आयोजन करने जाती है रीबड़ा की धरती के ऊपर। एक बड़ा सा आयोजन, 11 लाख से भी ऊपर का रोकड़ रकम है जहां मैन चैंपियन टीम होगी उसको, और 5 लाख 11 लाख विनर और रनर सबको 5 लाख रुपए का रोकड़ पुरस्कार दिया जाएगा, जो रीबड़ा की धरती पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। जय द्वारकाधीश के कप्तान से निवेदन है अपने दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज को जल्द भेज दे। आखिरकार जय द्वारकाधीश के दो सक्षम बल्लेबाज शादान काकू और सिकंदर भट्टी बीच मैदान की ओर चल पड़े हैं। अगर दोनों खिले तो निश्चित तौर पर जीत आसान होगी, लेकिन दोनों ही बल्लेबाजों में बड़ी क्षमता है। दोनों बल्लेबाजों में काफी बड़ी क्षमता है। मैच विनर बल्लेबाज, विच विनर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन उनके सामने काफी बड़ी गेंदबाजी है। बात की जाए शौर्या, अशफाक रबाडा, कुलदीप रावल, मलपाल सिंह चावड़ा, राजू पालवी, ये बड़ी बड़ी हस्तियां यहां इस टीम में है, गेंदबाजी का मोर्चे पर है, तो निश्चित तौर पर मुश्किल जरूर है, लेकिन काफी अभी बड़ा सा नाम सिकंदर भट्टी और सद्दाम काकू के पास भी है, तो वो भी क्षमता काफी रखते हैं मुकाबला जिताने की। चलते द्वारका 30 में मेगा फाइनल खेल, सेमीफाइनल खेलने के लिए उपस्थित हुए हैं सिकंदर भट्टी और सद्दाम काकू। गेंदबाजी के मोर्चे पर बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर सिकंदर भट्टी, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सदाम काकू और गेंदबाजी के मोर्चे पर वीरूपा वाघेला गेंदबाजी के मोर्चे पर
पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में, चार खिलाड़ी ऑन साइड में, स्पीड के साथ एक थर्ड में एक गली, एक पॉइंट, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉट मिड ऑफ, एक शॉट लॉन्ग ऑन, एक शॉट फाइल, एक ये सर्कल के अंदर, बाकी सभी खिलाड़ी, दो खिलाड़ी बाउंड्री के पास भी खड़े हुए। बीबी बाबा अकेला की अगली गेंद, गेंद को निकाला, शॉट मिड डाउन की और सुलदीप रावल ने गेंद को सफाई से फील किया, कोई रन नहीं। एक बार फिर वीरू वाघेला, आज पहली गेंद पर वीरू वाघेला आउट हुए थे मेगा सेमीफाइनल के मंच में। देखना है गेंदबाजी में किस तरीके से गेंद करेंगे। सिकंदर भट्टी ने आरा बल्ला से गेंद को निकाला है, पार का इशारा का इंतजार, देखेंगे गेंद पहुंची हवाई रास्ते से छह रनों के लिए। सिकंदर भट्टी ऑन द फायर, छह रनों से अपना अकाउंट शुरू करते हुए, अपनी टीम का अकाउंट शुरू करते हुए। एक बार फिर गेंदबाज वीरू वाघेला गेंद करेगा बल्लेबाज सिकंदर भट्टी को, चलो वाघेला। अगली गेंद, काफी अच्छी गेंद और सीमा रेखा के बाहर, मुझे लगा गेंद सभी से लगी लेकिन गेंद निकली है डीप ऑफ फाइल की सीमा पर, चार रनों के लिए। इन चार रनों के साथ टीम का स्कोर था पहुंचा 10 रन। ये उनका फेवरेट स्ट्रोक है सिकंदर भट्टी का। वीरूबा वाघेला सिकंदर भट्टी के लिए चले इस ओवर में, ये गेंद काफी अच्छी गेंद, आप समझे काफी बाहर थी, फिर भी आ रहे बल्ले से गेंद को मिड विकेट की ओर मकान निकालने का प्रयास, लेकिन कामयाबी नहीं, गेंद पहुंची विकेट पर जयराज के दस्ताना में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। वीरूबा वाघेला गेंद करके बल्लेबाज सिकंदर भट्टी को, कमेंट बॉक्स से दूर जाते हुए छोटे से लंबे से रन की शॉट, अब स्टंप के बाहर निकला, एक स्टंप के बाहर निकलते भी गेंद को निकाला, लंबी उड़ान, गेंद पहुंची आउट ऑफ द पार्क, सीमा पर, डीप स्कोर के ऊपर से छह रनों के लिए। इन 106 रनों के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा 16 रन। काफी अच्छी बल्लेबाजी सिकंदर भट्टी, देखना है जोगीराज जाला ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की वो बल्लेबाजी सिकंदर भट्टी कर पाएंगे। वीरू वाघेला अब राउंड विकेट गेंदबाजी कर गई, इस ओवर में आखिरी बार सामना करेंगे सिकंदर भट्टी, चलो वीरू सीधा स्ट्रोक है, स्वामी मिल आपके ऊपर से, यह है कुलदीप रावत के हाथों से कैच निकलता हुआ, एक बड़ा विकेट हाथ आ चुका था वीरू वाघेला का, लेकिन सिकंदर भट्टी वीरू वाघेला की गेंद पर काफी अच्छी गेंद डाली थी, लेकिन वीरू वाघेला ने गेंद में फंसाया था बल्लेबाज सिकंदर भट्टी का। शॉट मिड डाउन के ऊपर कुलदीप रावल से कैच गवाया है, जैसे उनका पैर फिसला वैसे उनके हाथों से गेंद निकली, लेकिन गेंद को उन्होंने कलेक्ट कर लिया था, लेकिन उनका पैर फिसला और गेंद जमीन दोस हुई, तो पहली ओवर की समाप्ति पर 16 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अब पहली बार स्ट्राइकर रन पर आते हुए सादाम काको, जबकि गेंदबाजी के मोर्चे पर है राजू पालरी। पांच खिलाड़ी ऑफ साइड में, चार खिलाड़ी ऑन साइड में, एक डीप गोली का मिड विकेट के ऊपर, दो सक्षम खिलाड़ी राजू पाल्टी गेंद करके बल्लेबाज सादाम काको को, चले राजू पाल्टी। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद, अंपायर साकिर खान का इशारा वाइड का, एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रन। एक बार फिर राजू पाल्टी, सिकंदर थोड़ा थोड़ा साइड में उपजो सिकंदर भाई, ओके
कैमरामैन ने तकलीफ पड़े छे। अगली गेंद अपसम के बाहर निकलती हुई गेंद को आड़े बल्ले से निकालने का प्रयास, लेकिन इस बार भी गेंद और बल्ले का मिलन नहीं। 17 रन बिना विकेट का नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ, देखना है कितना है पावर प्ले में रन बनाएगी। जय द्वारका दीस राजू पाल्डी इस ओवर में दूसरी बार अब स्टंप के बाहर निकल दी। बल्ला चला है शॉट, शॉट कवर का खिलाड़ी जब तक गेंद को फीड करे, थ्रो किया था सिकंदर भट्टी के ऊपर, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी वरना खतरा होता। इस बीच में एक रन की शॉट, टीम का स्कोर 18 रन। एक बार फिर वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर आते हुए राजू पाल्डी सामना करेगी सिकंदर भट्टी। सिकंदर सामना करते हुए राजू पाल्डी की अगली गेंद का लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, अगली गेंद तेज बल्ला चलाया था, जिस प्रकार से वो स्ट्रोक खेलना चाहे उसी प्रकार से नहीं, गेंद जमीन के सहारे होती हुई गेंद डीप स्क्वायर की तरफ गई, जब तक गेंद को फील्ड करे। एक लौता सिंगल के साथ टीम का स्कोर 19 रन बिना विकेट का नुकसान पर। 51 गेंदें 123 रन का विशाल स्कोर अभी भी बचा हुआ है जय द्वारका दीस के लिए। चले राजू पाल्डी सरब गक्कू ने गेंद को निकाला है ऑन साइड में, जब तक डीप मिड विकेट का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करी, इकलौता सिंगल के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 20 रन, जबकि ओवर नंबर दूसरा चलता हुआ। काफी तेज हवा चलती हुई ग्रीन फील्ड क्रिकेट ग्राउंड राजकोट की धरती के ऊपर, सुंदर सा माहौल चार टावरों ने रात के अंधेरे को दिन के उजाले में तब्दील करता हुआ, एक सुंदर सा आयोजन एनवीएस चैंपियन ट्रॉफी का। सिकंदर भट्टी ने बोला स्टेट ड्राइव किया, लोगों को लोगों का खिलाड़ी को चीरती हुई निकली सीमा पार होती हुई चार रनों के लिए। चार रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर। जैसे ही समय मिला काफी आगे की थी शॉट ऑफ लाइन गेंद थी, सिकंदर भट्टी ने एक बड़ा गैप ढूंढा, एक खाली क्षेत्र में निकाला चार रनों के लिए। राजू पाल्डी इस ओवर में आखिरी बार गेंद करके बल्लेबाज सिकंदर भट्टी को, चले राजू पाली लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सिकंदर भट्टी के लिए। अगली गेंद हवा में उठी है, देख रहे हैं वीरो बाला गला ने काफी अच्छी डाल की थी, काफी अच्छा प्रयास किया था, लेकिन उनकी काफी आगे गेंद गिरी है और इसके साथ देखिए खिलाड़ी प्रशंसा करते हुए, ये बंदे ने कितनी बड़ी ट्राई मारी थी कैच पकड़ने के लिए, लेकिन काफी गेंद से थोड़े दूर रहे और इसके साथ ही दो ओवर की समाप्ति पर 24 रन बिना विकेट के नुकसान पर। एक व्यू बनाते हुए एक मंत्रणा होती हुई दो सक्षम अनुभवी कुलदीप रावल और अस्माकर अबारा के बीच में बातचीत होती हुई, दिखना है वापस वीर बाबा गिला को ही गेंदबाजी के मोर्चे पर लाते हुए। ज्यादातर अनुभव कुलदीप रावल के पास रहेगा कि गेंदबाजी किसको करवानी है, कब किसको गेंदबाजी देनी है, और हीरेन प्रजापति को तो कब्बर खुद कप्तान आर आर रीबड़ा फाउंडेशन के वीर बाबा गिला एक लंबे से रन के साथ तरह का मावत विकेट सदाम काकू के लिए। अगली गेंद अर्श गेंद को निकाला है दीप फाइले का खिलाड़ी, शॉट फाइले के खिलाड़ी से मिस फील्डिंग हुई है, निकला है गेंद दूसरे रन के लिए, निकला है सदाम काकू उंगली हवा में और यह विकेट नंबर एक, रन आउट हुए हैं अब नए बल्लेबाज अश्विन करोड़ी आए हैं शादाम काकू के आउट होने के बाद।
अभी भी 47 गेंदे 117 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। देखना है यहाँ पर अश्विन, ये अश्विन की बात की जाए तो प्री क्वार्टर या क्वार्टर फाइनल में अकेले दम से बल्लेबाजी कर अपनी टीम को जिताया था, बहुत बड़ी क्षमता है, बड़ा बड़ा हिट लगाने के लिए माहिर जाने जाते हुए आते ही अपना चलवा दिखा एक खाली क्षेत्र में गैप ढूंढा गेंदने के लिए सीधा बार चार निकले। मैंने पहले से ही तारीफ की है इस बंदे की, पिछले मुकाबले में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उन्होंने क्या लाजवाब बल्लेबाजी की थी और चार रनों के साथ टीम का स्कोर जा भेजा 29 रन एक विकेट का नुकसान पर। सदाम कक्कू जो कि रनआउट हुए हैं यहां पर, एक बार फिर रूपाला के लिए अगली गेंद, इस बार लोग अपना खिलाड़ी ले गेंद पकड़ू ना पकड़ू निकली सीमा पर चार रुक लिया। महिपाल सिंह चावड़ा ने पहला सोचा गेंद को कैच के रूप में पकड़ू, लेकिन अंतिम समय पर अपना इरादा बदला, तब तक गेंद निकली सीमा पर उनके हवाई रास्ते से वो भी चार निकले। इन चार रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 33 रन एक विकेट का नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर तीसरा चलता हुआ 43 गेंदे 109 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आते ही अपना जलवा दिखा तवा बल्लेबाज अश्विन, बहुत अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, तीसरे अंपायर की ओर अश्विन के यहां सांसें अटकी हुई है और चले अश्विन आउट। देखिए एक अच्छी स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखा देते हुए वहां पर अश्विन तीन गेंदों का सामना किया और वापस पेवेलियन की ओर वीरू बाबा गेला की गेंद में फंसे, दूसरा विकेट गिरता हुआ 33 रन के नीचे ऊपर जय द्वारका 20 का। अगले बल्लेबाज जल्दी से अंपायर मैच चालू कराओ जो प्लीज। नए बल्लेबाज आए हैं राजन पंचाल, वीरू बाबा गेला का बोलिंग विशेषण देखा जाए, राजन पंचाल 349 में 5,286 रन उनके क्रिकेटर्स में बताते हुए, वीरू बाबा गेला का बोलिंग विशेषण एक ओवर चार गेंद 25 रन एक विकेट, राजू पाल्टी का बोलिंग विशेषण एक ओवर 8 रन कोई विकेट नहीं, क्या लाजवाब गेंदबाजी राजू पाल्टी की। अब राजन पंचाल यहां से किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, जिस स्थिति रीबड़ा की थी आर आर रीबड़ा फाउंडेशन की थी वैसी ही स्थिति यहां पर जय द्वारका 30 की भी दिखाई देती हुई, जिस तरीके से उनके तीन विकेट जल्दी जल्दी आउट होने के बाद फंसी थी, लेकिन उसके बाद शतकीय पार्टनरशिप हुई भरत राम और जोगीराज सिंह जाला के द्वारा, क्या लाजवाब बल्लेबाजी जोगीराज सिंह जाला की थी। अगली गेंद शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने गेंद को लपका, चलते बने वहां पर राजन बलचल, जैसे आए वैसे जाते हुए कैच पकड़ा है सचिन परमार ने, वीरू बाबा गेला के बैक टू बैक दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट, विकेट नंबर 3। यह स्थिति आर आर फाउंडेशन रीबड़ा की भी थी, वैसी स्थिति यहां पर जय द्वारका 20 की भी। सिकंदर भटिया भी नौ स्ट्राइकर खेलते हुए 9 गेंदों पर 21 रन बनाकर। दर्शन 11 राजकोट पहले से ही
नवजीवन विक्रम सेवा श्री हरवत बचाव एनवीएस चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में इंतजार कर रही है कि दर्शन इलेवन के सामने आरा रीबड़ा आएगी या जय द्वार का दीस आएगी। अब नए बल्लेबाज निजाम हैदर आए हैं, काफी अच्छी ऑलराउंडर की भूमिका है निजाम हैदर के पास। इस बीच वीरू बाबा खेला गेंद करके बल्लेबाज निजाम हैदर को अगली गेंद हल्का था, उस गेंद को शॉट मिड ऑन की ओर गेंद को धकेला, कोई रन नहीं। जहां मेटर बड़े होते हैं ना, एक कमेंट आई है जहां मेटर बड़े होते हैं वहां सिकंदर भट्टी खड़े होते हैं। वैसी कमेंट हमारी स्क्रीन पर आती हुई। कुछ कमेंट अस्पक रबाड़े के आए हैं, कुछ देर के बाद हम बताएंगे, माफी चाहेंगे, जो कमेंट आई हो तो हम बताएंगे। राज्यपाल जी आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर। राज्यपाल जी गेंद करेंगे बल्लेबाज सिकंदर भट्टी को, इस बीच राजू पाल्डी तैयार होते हुए सामना करके बल्लेबाज सिकंदर भट्टी। 33 रन 3 विकेट का नुकसान पर ओवर नंबर 4 चलता हुआ। अगली गेंद और इस गेंद को निकाला है डीप स्क्वायर की तरफ, खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करे एक रन से संतुष्ट करेंगे। भरत राम की क्या लाजवाब फील्डिंग, पहले ही जरूरत थी टीम को बल्लेबाजी की, तब बल्लेबाजी करके दिया गया। अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर भरत राम अपने 100 में से 100% देते हुए अपनी टीम के लिए। जब टीम परेशानियों में थी बल्लेबाजी से फरे लड़खड़ा ही थी, लेकिन उस समय भरत राम जोगीराज सिंह ज्वाला का साथ दिया। राजपाल जी गेंद करेंगे बल्लेबाज निजाम हैदर को, 41 गेंदें 108 रन अभी भी दरकार है। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद, घुमाव लेती हुई गेंद पहुंची जयराज सिंह के दस्ताने में, कोई रन नहीं, ओवर नंबर 4 चलता हुआ। एक बार फिर राज्यपाल जी गेंद करके बल्लेबाज निजाम को, रिवर्सिप करने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर शैली से लगती हुई गेंद शॉट, शॉट फाइल का खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करे कोई रन नहीं। 34 रन 3 विकेट का नुकसान पर जबकि ओवर नंबर 4 चलता हुआ। राज्यपाल जी एक बार फिर काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी घुमाव से परेशान करते हुए चारित रन जीत करती हुई गेंद विकेट जयराज के दस्ताने में पहुंची, कोई रन नहीं। तीन विकेट के नुकसान पर 34 रन ओवर नंबर 4 चलता हुआ। राज्यपाल जी चले सवर में 5वीं बार, एक बार फिर आड़े बल्ले से निकाला है, लेकिन गेंद जाएगी डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 40 रन 3 विकेट का नुकसान पर जबकि ओवर नंबर 4 चलता हुआ। 37 गेंदें 100
दो रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए। 7 विकेट अभी भी मौजूद है जय द्वारका 20 के पास। राजू पाली इस ओवर में आखिरी बॉल सामना करके निजाम हैदर। अगली गेंद इस गेंद कौन साइड में खेला है जब तक सचिन पर बाहर गेंद को बल जब तक गेंद को फील्ड किया और एक ही रन से संतुष्ट करेंगे और इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन बने हैं 3 विकेट के नुकसान पर। 36 गेंदें 101 रन दरकार यह मुकाबला जीतने के लिए। नवजीवन विकलांग सेवा श्रेय हड़वद बचाव के द्वारा एक सुंदर सा आयोजन बड़े डेनिस भाई फुलित्रा के एक कमेंट आई है काफी अच्छा यूटी स्पोर्ट के माध्यम से लाइव और कमेंट्री चलती हुई उनकी प्रशंसा करते हुए डेनिस भाई जो कि अक्की नाम से जाने जाते हैं कल वो किसी नाइट टूर्नामेंट खेलने के लिए उनकी टीम जाने वाली है कामधड़ी जहां टूर्नामेंट चल रही है वहां वो टीम खेलने जाने वाली है। कुछ ही देर में हमारे बीच में उपस्थित होंगे डेनिस भाई फुले अब गेंदबाजी के मोर्चे पर तालाड़ के ऑलराउंडर एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में लगातार मैदानों में खड़ा हुआ यह बंदा अस्पाकर अवाड़ा। अगली गेंद हल्के हाथों से गेंद को निकाला है शॉर्ट कवर के ऊपर जब तक वहां पर जुगीराज राणा गेंद को फील्ड करने का प्रयास लेकिन इस गेंद को मैथाल सिंह चावड़ा ने गेंद को फील्ड किया एक लौता सिंगल के साथ टीम का स्कोर 42 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी देर के बाद सिकंदर भट्टी के पास स्ट्राइक आई है एक व्यूह बनाते हुए वहां पर हीरेन प्रजापति कुछ बातचीत करते हुए अस्पाकर अबाडा को इसका कुतना जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम पूरी टीम ने प्रशंसा की इस बंदे ने अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए सचिन परमार क्या लाजवाब ऐसी फील्डिंग ऐसी कैचेस देखने हैं तो इंस्टाग्राम पर जाकर यूटी स्पोर्ट को फॉलो कीजिए अच्छे अच्छे कैचेस अच्छी अच्छी फील्डिंग अच्छी अच्छी विकेट देखने को मिलेगी। इस बीच अगली गेंद एक बार फिर ऑन साइड में खेला है एक खिलाड़ी मौजूद सचिन परमार जब तक गेंद को फील्ड करे क्या लाजवाब फील्डिंग करते हुए सचिन परमार अभी अच्छे बल्लेबाजी भी कर देते हैं काफी अच्छा ऑलराउंडर बन चुका है ये बल्लेबाज सचिन परमार गेंदबाजी काफी लाजवाब बल्लेबाजी निखरता हुआ ये बल्लेबाज जरियावाड़ा से ताल्लुक रखते वाला। अगली गेंद काफी अच्छी गेंद सिकंदर भट्टी भी अब कुछ हरा भरा हट में लेकिन सामने गेंदबाज तलावा एक्सप्रेस अस्पा खराबाड़ा की क्या लाजवाब गेंदबाजी 500 से नजदीक पहुंचते हुए यूटी स्पोर्ट के माध्यम से ये जो मुकाबला सेमीफाइनल चल रहा है उसको लाइव देखते हुए अस्पाक रबाडा गेंद करेंगे बल्लेबाज सिकंदर भट्टी को चले अस्पाक सिकंदर के लिए। अगली गेंद इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया ऑन साइड में रखा मिड विकेट सीमा के और आउट ऑफ द पार्क सीमा पर 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 50 रन 3 विकेट का नुकसान पर। 31 गेंदें 92 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। देखिए कौन कहां से मुकाबला देख रहे हैं बहने कमेंट में बताइए कौन कहां से मुकाबला देख रहे हैं कमेंट में बताएं हम आपका नाम लेंगे। कमेंट में आपका इलाके का नाम लिखना है और आपका नाम लिखना है कमेंट में बताएं कौन कहां से मुकाबला देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। एक बड़ा मंच बड़ा टूर्नामेंट एक टूर्नामेंट का उद्देश्य इस टूर्नामेंट का एक ही उद्देश्य है विकलांग लोगों के लिए जितना भी फंड इकट्ठा हो उतना हम प्रयास करेंगे।
अगली गेंद चढ़ में डाली ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद को निकाला लॉन्ग ऑफ की तरफ राजू पाल्टी जब तक गेंद को पीड़ करे एक रन वैसे एक रन के साथ अंपायर का इशारा पांचवें ओवर की समाप्ति पर 51 3 विकेट के नुकसान पर। अंकित सवे फ्रॉम अजीत भाई इसको बेल्जियम को क्रिक हीरोज नु मारे लाइव जो तो कमेंट बात तो जाओ ने बराबर ने तो कमेंट बन भाई को आयो या वे हां भाई बंद करने अब बंद करते तो नहीं अब गेंदबाज के मोर्चे पर आ है राजू पाल्डी आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर सामना करके सिकंदर भट्टी काफी अच्छी अब यहां से तेज बल्लेबाजी करनी है क्योंकि 30 गेंदों पर 91 रन चाहिए। गेंद काफी अच्छी गेंद ऑप्शन के बाहर निकलती हुई गेंद इतनी बाहर के अंपायर साकिर खान का इशारा वाइड का मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर 52 रन। माफी चाहेंगे कुछ देर के बाद बताएंगे जिन्हें लोगों ने कमेंट की है। चाकुआ से मुकाबला देखते हुए इमरान खान और चाकुआ का एक ऊपर था ऑलराउंडर साजिद खान अगली के सी डबल से कह रहा है कुलदीप रावल क्या लाजवाब इस बंदे की फील्डिंग कुलदीप रावल अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए पूरी तरीके से वह गेंद के ऊपर झपटे और गेंद को निकाहे रखी और गेंद को बाउंड्री के अंदर रोका इसी रन की साथ का स्कोर 52 रन। काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है कुलदीप रावल का आज मौका नहीं मिला था बल्लेबाजी का लेकिन फील्डिंग ने अपना दायित्व निभाते सीधे बल्ले से गेंद निकाला है इस बार गेंद जाएगी सीमा पर चारों ओर निजाम हैदर के द्वारा बॉल स्ट्रेट ड्राइव किया था वहां पर निजाम हैदर और गेंद सीमा रेसा पार हुई चार ओवर के लिए राजू पाल्डी गेंद करने निजाम को एक बार फिर उड़ाने का प्रयास बाहर शीलालोटी जमीन से होती हुई विकेट कीपर के पास पहुंचे जयराज ने गेंद को फील्ड किया कोई रन नहीं 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर 26 गेंदें 86 रन अभी भी नामुमकिन नहीं है क्योंकि बड़ा नाम सिकंदर भट्टी मौजूद है 16 गेंदों पर 31 रन बनाकर खेलते हुए चले गेंदबाज निजाम हैदर ने गेंद को निकाला है कवर के ऊपर में बॉल सी चावल के ऊपर से निकलती हुई पहले बॉल उसके साथ होती हुई चार ओवर के लिए इन चार ओवर के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर जबकि वह नंबर छठा चलता हुआ 25 गेंदें 82 रन। पच्चीस गेंदे बची है 82 रन अभी भी काफी मंजिल दूर है लेकिन सिकंदर जब तक है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि सिकंदर भट्टी के पास काफी बड़ी समता है। इस ओवर की आखिरी गेंद राजू पाल्डी ये गेंद काफी अच्छी वापसी करते हुए परेशान करती हुई गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तान में ओवर की ओवर थी ना ओवर की समाप्ति हो चुकी अंपायर दड़ा गणा चलो वाइड है तो ओके 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 माफी चाहेंगे वो ओलन बाजू में बेन बात तो करे ले इतना है एक बार फिर राजू पांडी गेंद करते हुए निजाम को और इस बार खतरा है लेकिन दर्जा आसपास का बड़ा गेंद तक लॉन्ग ऑन की ओर काफी तेज दौड़े थे आसपास गेंद के ऊपर लेकिन नहीं पहुंच पाए और इस बीच में एक रन मिलता हुआ
नारन आहिर पाल चौबारी कस से ये मुकाबला देखते हुए खरा करण लालपुर से ये मुकाबला देखते हुए मेहुल वाडेर रीबड़ा से ये मुकाबला देखते हुए चले रबाड़ा ये गेंद सीधे बल्ले से गेंद को सामने की ओर धकेला गया खुद गेंदबाज ने पर बॉल थम गेंद का फील्ड किया कोई रन नहीं रबड़ा अगली गेंद इसको हल्के हाथों से ऑन साइड में धकेला है खिलाड़ी जब तक राजू पार्टी गेंद को फील्ड करे एक ही रन से संतुष्ट करेंगे दूसरे रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 63 रन 22 गेंदें 79 रन। अब धीरे धीरे रिक्वायर्ड रन रेट काफी तेजी की ओर बढ़ता हुआ यूटी स्पोर्ट के माध्यम से यह लाइव टेलीकास्ट चलता हुआ कैमरामैन तनवीर खान ऑपरेटर अवेश खान और क्रिक हीरोज का स्कोरर मोइन खान मेरे दो सक्षम अंपायर शाकिर खान और नेमीज भाई बालोरिया सर दो अंपायर सक्षम अस्पक रबड़ा गेंद करके बल्लेबाज से कांदार फैक्ट्री को इनमें से जो टीम जीतेगी अरा रिबड़ा और जयद्वार का बीच में वो मेगा फाइनल मुकाबला इसके बाद दर्शन इलेवन राजकोट के सामने खेलेगी चले रबाडा उठाकर खेला है बोला शेड राजकोट और कैमरा मैन के पास निकली छह के लिए इस बीच काफी दूर तक जा पहुंची है गेंद रबड़ा 21 गेंदें 73 रन ये मुकाबला जीतने के लिए अस्पक रबड़ा इस ओवर में चौथी बार अगली गेंद काफी फुल टॉस गेंद थी स्क्वेलिंग अंपायर ने नौ बॉल घोषित करते हुए यहां पर और यहां होगी फ्री हिट तो देखना है परपेट खाना बिल नहीं चुकाना बिल चुकाएगा अस्पक रबड़ा इस गेंद के ऊपर काफी ऑप्शन फुल टॉस गेंद कर बैठे तो सीधी विकेट ऊपर जयराज के दस्ताना में पहुंची है सिकंदर सामना करके रबाड़ा की अगली गेंद का फ्री हिट देखना है ये गेंद सीधे वाले से निकाला है लेकिन वहां पर चीन की दीवार मानने वाले दो खिलाड़ी कुलदीप रावल गेंद को फील्ड करे इकलौता सिंगल विशेष रन की साथ टीम का स्कोर जा बोझा है 71 रन 3 विकेट का नुकसान पर 20 गेंदें 71 रन यहां से अभी भी जीतने के लिए बना रहे हैं रबाडा उनका बोलिंग भी सेशन 1 ओवर 4 गेंदें 19 रन क्या रहा जवाब गेंदबाजी अस्पक रबाडा की चले निजाम हैदर के लिए इस बार मिड ऑफ के ऊपर से उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर कुलदीप रावल के ऊपर से निकले हवाई रास्ते को चीरती हुई आसमानी उड़ान 6 रनों के लिए इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर उछलता कूदता दौड़ता भागता चलता जय द्वार का 30-11 का 3 विकेट का नुकसान पर 77 रन एक बार फिर काफी दूर तक गेंद पहुंची थी तो
ખાતી ગયો આ દિયો ઈ દિયો આઈ રેડિયો શ્રી નવજીવન વિકલાંગ સેવા શ્રેય હળવદ બચાવ કે દ્વારા એનબીએસ ચેમ્પિયન ટ્રોફી કા આયોજન શિક્ષક શ્રી કી એક અચ્છી પહેલ अच्छा आयोजन करने का एक प्रयास। इस आयोजन का एक ही उद्देश्य एक ही मकसद है कि जितना भी फंड यहां से इकट्ठा होगा वो सारा फंड विकलांग लोगों में यूज किया जाएगा। काफी दाताश्रियों ने इस टूर्नामेंट में फंड दिया हुआ है और इस टूर्नामेंट के मुख्य आयोजक श्री शिक्षक श्रीओं ने एक अच्छी पहल की गई है। टूर्नामेंट का मुख्य आयोजक जितेंद्र भाई जोशी, डायरेक्टर निमेश भाई भालोडिया, आयोजक सोलंकी सुनील भाई, इनकी भी काफी बड़ी मेहनत काफी जहमत। सोलंकी सुनील भाई, कौशिक भाई चौहान, रेनिस भाई फिलेत्रा, अक्षय भाई और बादशाह भाई, बादशाह भाई की काफी बड़ी मेहनत है, काफी अच्छी मेहनत है इस टूर्नामेंट को सही सफल बनाने में। काफी बड़ी सभी की मेहनत रंग लाती हुई टूर्नामेंट का आठवां और आखिरी दिन तो सेकंड विकेट की तरफ निकला है। देखना खिलाड़ी वहां पर जब तक गेंद को फील्ड करे रन शेष और तालमेल में गड़बड़ी, विकेट नंबर चार रन आउट हुए हैं वहां पर निजाम हैदर। कंसारा कादी रेलना पाटा पर से ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से सिजाद मालंग ये लाइव टेलीकास्ट ऑस्ट्रेलिया से देखते हुए ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से यह मुकाबला लाइव टेलीकास्ट देखते हुए यह मुकाबला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया सिजान मालंग ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से यह लाइव टेलीकास्ट देखते हुए वही नहीं तो बहुत कमेंट करी इमरान पड़ाया ये भी मांग रहे हैं मुकाबला देखते हुए। अल्पेश बामनिया फ्रॉम दीव, चौबारी कच्छ से नारायण आहिर देखते हुए मुकाबला। प्रताप जोरिया पोरबंदर से मुकाबला देखते हुए, वीरम जो कि औखा से मुकाबला देखते हुए, अयुब खिलची फ्रॉम कॉलेज अब गेंदबाजी के मोर्चे पर आए हैं सचिन परवार। 18 गेंदे 64 रन, नए बल्लेबाज कांताए हैं जो कि काफी बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। पहली गेंद काफी ऑप्शन के बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का, एक्स्ट्रा के साथ काउंट शुरू होता हुआ आगे बढ़ता हुआ एक बार फिर सचिन परवार। 89 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक बार फिर ऑप्शन के बाहर निकलते हुए गेंद, एक बार फिर बैक टू बैक का दूसरा वाइट में आता हुआ इस ओवर में सचिन परवार के द्वारा। 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदे 62 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। अगले गेंद, अगले गेंद इस गेंद को निकाला है पॉइंट के एरिया पर, जब तक
खिलाड़ी वहां पर राजूपाल भी गेंद को फील्ड करे, तब तक एक रन और इसी एक रन के साथ टीम का स्कोर 81 रन, 4 विकेट का नुकसान पर ओवर नंबर यह 8वां चलता हुआ। सुनील नारेजा प्रोम नवसारी से यह मुकाबला देखते हुए शक्ति सिद्ध है फोटो डिजिटल मोरबी से लाइव देखते हुए चले सचिन परमार उड़ाने का प्रयास ऑन साइड में जाती है, देख रहे हैं बल्लेबाजी से निकले हैं, देख रहे हैं दूसरा मिलेगा सिकंदर भट्टी निकले हैं दूसरे रन के लिए और क्या रनिंग बिटवीन सिकंदर भट्टी के द्वारा दूसरे रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 83 रन 4 विकेट का नुकसान पर 16 गेंद 59 रन। राडिया भार्गव फ्रॉम कुतियाना से ये लाइव देखते हुए चलो सिकंदर भट्टी सामना करते हुए सचिन के विकेट का काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर चा पहुंचा 84 रन 4 विकेट के नुकसान पर मेहुल वाठेर भाई मेहुल वाठेर भाई की कमेंट आई कमेंट्री के थैंक यू मेहुल भाई। इस अमर गेट गेन इस बार सीधे बल्ले से निकल है, लेकिन कुलदीप रावल क्या तेज रनिंग, काफी अच्छा फिटनेस इस बंदे का, कप्तान ने दोनों ही फिटनेस काफी अच्छी आसमा करा मारा और कुलदीप रावल को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की दिशा में रखे हैं, पूरा एरिया कवर करके रखा इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा, वो एक ही रन से संतुष्ट करते हुए माफी चाहेंगे यहां रन नहीं लिया है सचिन। इस बार काफी हारे बल्ले से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकाला 6 रनों के लिए सिकंदर भट्टी अपने अकेले हाथ से बल्लेबाजी करना चाहते हैं 14 गेंद 52 रन अभी भी दरकार है, कुल स्कोर 90 रन 4 विकेट का नुकसान पर सिकंदर 21 गेंदों पर 46 रन बनाकर खेलते हुए। बार फिर इसमें सचिन इस ओवर में 5वीं बार अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर निकलते हुए गेंद एक और अंपायर का इशारा वाइड का इस 73 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 91 रन 4 विकेट का नुकसान था, जबकि ओवर नंबर 8वां चलता हुआ। इस ओवर में काफी एक्स्ट्रा सचिन के द्वारा 30 गेंद करने के प्रयास में लगातार ऑफ स्टंप के भटकते हुए गेंदबाज एक अच्छा ऑलराउंडर सचिन परमार। अगली गेंद एक बार फिर काफी ऑप्शन के बाहर वाइट का इशारा, इस ओवर में चौथा पांचवा वाइट आता हुआ सचिन के द्वारा, टीम का स्कोर 92 रन 14 गेंद 50 रन, अभी भी रीड की हड्डी माने वाला बल्लेबाज सिकंदर भट्टी बीच विकेट के ऊपर मौजूद है, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता पूरी क्षमता है इस बल्लेबाज के पास। एंडी गैरो लाया है खाली क्षेत्र में, लेकिन मई पाल सी चावर गेंद सीमा पर 4 रनों के लिए 4 रनों के साथ टीम का स्कोर चा पहुंचा 96 रन 13 गेंद 46 रन। मेहुल वाहदेव पूछते हुए बादशाह क्या कर रहे हैं, एक बार फिर सचिन गेंद करेंगे बल्लेबाज सिकंदर भट्टी को, लिप्टन रावत विकेट उठाया है, देख रहे इस बार कुलदीप रावल पहुंचेंगे, काफी तेज दौड़ वहां पर कुलदीप रावल की, लेकिन काफी आगे गेंद निकली थी और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति 97 रन 4 विकेट का नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति पर 12 गेंद 45 रन 22.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी चाहिए तभी जाकर यह मुकाबला जीत सकती है जय द्वारका दीश। सिकंदर भट्टी माफी चाहेंगे हमारे कहने से थोड़ी गलती हुई है, थोड़ी देरी हो गई है, 23 गेंदों पर सिकंदर भट्टी का अर्धशतक आता हुआ
तेईस गेंदों में 51 रन बनाकर खेलते हुए सिकंदर भट्टी, जिसमें 5 सिक्सर और 3 बाउंड्री आई है। कपिल ने 5 रन चुके दुबई से एलआई टेलीकास्ट से देखते हुए। मेहुल भाई वाडेर काफी अच्छी प्रशंसा करते हुए, थैंक यू मेहुल भाई। एक बार फिर गेंदबाजी के मंच पर आए हैं अस्पा करबड़ा। 12 गेंदे 45 रन, सिकंदर भट्टी अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद। देखना है स्पाकर बाड़ा की ये ओवर टेक करेगी किसकी ओर है, ये मापा लड़ा मैच का भारी किसी की ओर थमेगा। अस्पाक चले लिपाम रावत विकेट, हमिद बोधू बलोच सिकंदर भट्टी अगर यहां खड़े रहेंगे तो मैं जीता देंगे, उसकी कमेंट आई है। अरफात सिमरा, थैंक यू अरफात सिमरा। चले स्पाक और काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद ब्लॉक होल में डाली हुई, चारों खाने चित करती हुई बल्लेबाज को, कोई रन नहीं। 11 गेंदे 45 रन, यह इस मैदान में अरफात सिमरा का ने काफी लाजवाब बल्लेबाजी की थी, लेकिन वो टीम भी इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। चले रबड़ा अपने लाइन रोक से कुछ रनअप से भटकते हुए अस्पाक वापस अपने बोलिंग रनअप की ओर आगे बढ़ते हुए। आज एक कमेंट आई है, वो पूछते हुए ये सेमीफाइनल चल रहा है, उसके बाद मेगा फाइनल खेला जाएगा यहां इस मैदान के ऊपर। रबाड़ा की अगली गेंद बाहरी सी डाली है, लेकिन जमीन से होती हुई गेंद पहुंची जयराज के दस्ताना में भी विकेट पर, एक और गेंद डॉट होती हुई। एक बार फिर रबाड़ा 10 गेंदे 45 रन, बड़े मंच पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी अस्पाक रबाड़ा के द्वारा। इस बार काफी ऑप्शन के बाहर गेंद वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 98 रन। रबाड़ा ने इस ओवर में दो गेंदे डाली है, एक एक्स्ट्रा के रूप में रन दे चुके हैं, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए इस अस्पाक की उतनी कम। काफी अच्छी गेंद ऑलराउंडर माने जाते हैं। ये गेंद इस बार लाइन से भटकते हुए, लेकिन सिकंदर भट्टी ने निकाला है मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए। सिकंदर भट्टी ऑन फायर, 9 गेंदे 38 रन। इमरान बाबू की कमी आई है, अस्पाक रबाड़ा रन नहीं देंगे, जो कि अस्पाक रबाड़ा के फ्रेंड इमरान बाबू की एक कमेंट आई है। इस बीच अस्पाक तैयार होते हुए अगली गेंद करने के लिए सामना करेगा बल्लेबाज सिकंदर भट्टी, 9 गेंदे 38 रन। चलो रबाड़ा उठाकर खेला है, हेलीकॉप्टर उड़ाया है, गेंद जाती हुई आसमानी उड़ान है, चीरती हुई लंबी दूर से दूरी पर पहुंची 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 110 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 8 गेंदे 32 रन। सिकंदर भट्टी ऑन फायर, 63 रनों के नीचे पर पहुंचे। एक पर बोली थी तो नाम ना नौ नाम को ये आवे तो के जाओ अस्पाक। एवरेज काफी ऑप्शन के बाहर सिकंदर भट्टी ने देखा पर का जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताना में, एक और वाइड के द्वारा रन आता हुआ टीम का स्कोर जा पहुंचा 111 रन, 8 गेंदे 31 रन।
कल भी ऐसा प्रकार का एक मुकाबला बना था इस ग्राउंड्स में। ये गेंद काफी अच्छी वापसी करते हुए वहां पर आसपास रन बना, चारों खाने चीत करती भी गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, कोई रन के नुकसान नहीं। आसपाक काफी अच्छी गेंद आसपाक रबाडा के द्वारा चलती हुई यहां पर आसपाक इस ओवर में आखिरी बार 7 गेंद 31 रन। चले रबाडा इस ओवर में अगली बारी सिकंदर भट्टी के लिए। गेंद काफी अच्छी गेंद निकलती हुई गेंद अपस्टंप के बाहर, वाइड का इशारा है अंपायर का, शिक्षा के साथ यहां पर लिया है। देखना है अब तीसरे अंपायर तय करेंगे कि यह वाइड है या फिर डिलीवरी। मीनबत्ती ग्रुप चाकवा की एक कमेंट आई है, सिकंदर ऑन फायर। सोयब मंसूरी कमेंट्री क्रिकेट प्रशंसा करने के बदल आपके आभारी जीतू सीआर। तो यहां पर तीसरे अंपायर का डिसीजन ये फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का डिसीजन आया फेयर डिलीवरी। अब यहां से गेंदें बची हैं 6 रन चाहिए 31, 6 गेंदें बची हैं 31 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। आखिरी ओवर देखना है सचिन। से कमेंट आई है कुतियाना से मेरे साथी दोस्त सर्वर खोकर की, यहां बताते हुए कि ये रन नहीं बना पाएगी टीम, वैसा कमेंट आई है सर्वर खोकर फ्रॉम कुतियाना। हमारी तबीयत ठीक है इमरान भाई, बता दोगे कमेंट्री तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है इसलिए तो हम कमेंट्री करते हुए। सचिन परमार 6 गेंदें 31 रन कैनवास एक रन पर। पहली गेंद सीधे बल्ले से खेला लेकिन सचिन ने बॉल फील्ड में गेंद को फील्ड किया, कैनवास की इनिंग की समाप्ति, रन आउट। उन्होंने सोचा था कि स्ट्राइकर रन पर सिकंदर भट्टी को लाएंगे। 5 गेंदें 31 रन, क्या ये सुपर ओवर हो सकती है, टाई कर पाएंगे सिकंदर भट्टी। रहीम अमीन काफी अच्छी तारीफ करते हुए सिकंदर भट्टी की और इस टूर्नामेंट की और इस मैच की, थैंक यू। 5 गेंदें 31 रन कुछ बातचीत करते हुए वहां पर सचिन से विरुदा। अब बेसमैन कौन है वो, बेसमैन अस्पाक भाई। अगेन अब तब के बाहर निकलते भी गेट इतनी बाहर अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया, एक्स्ट्रा के साथ टीम का स्कोर जा भेजा 112 रन 5 गेंदें 30 रन। अब सिकंदर भट्टी को चाहिए 5 सिक्सर तो मुकाबला जीत सकती है। अगली गेंद सीधे बल्ले से सामने की ओर
और अब पलड़ा भारी होता हुआ आर आर फाउंडेशन री बनाया। जो टीम जीतेगी इसके बाद दर्शन इलेवन राजकोट के सामने मेगा फाइनल खेलेगी। नव जीवन विकलांग सेवा श्रेय हरवत बचाओ एनबीएस चैंपियन ट्रॉफी का एक ही उद्देश्य इस टूर्नामेंट का जितना फंड इकट्ठा हो वो ज्यादा से ज्यादा फंड विकलांग लोगों में यूज किया जाएगा। उड़ाया है लेकिन नो मैन्स लैंड में गिरेगी चंदू चावड़ा जब तक गेंद को ऊपर उठाए। दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। इन दोनों के साथ टीम का स्कोर चार पहुंचा 114 रन। अगर किसी को फंड इकट्ठा करना है फंड इस संस्था में देना है तो दे सकते हैं। चले सचिन सिकंदर के लिए क्या अच्छी सचिन परमार तेरी गेंद तेरा कमाल तू जाने यहां टीम पूरी तरीके से तेरे से खुश। दो गेंदे उन 28 रन तो यह मुकाबला लगभग आर आर री बड़ा ने अपने हाथों में कर लिया है मजबूती प्रदान करती हुई। ये गेंद सिकंदर भाड़ी ने उड़ाया है कमर बॉक्स से और कैमरा मैन के ऊपर से निकले हवाई दर्शकों से निकली चेहरा नगर चेहरा के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 120 रन पांच विकेट का नुकसान पर सिकंदर भट्टी पहुंचे हैं 33 गेंदों पर 71 रन बनाकर 8 सिक्सर और 3 बाउंड्री के बल्ले से आई है। मेगा सेमीफाइनल की दूसरी पारी की आखिरी गेंद करेगा सिकंदर भट्टी। चले सचिन परमार एक बार फिर ऑन साइड में लेकर आई बस को लेकर ऊपर से हवाई रास्ते छह रनों के लिए और इसके साथ ही 126 रन बनाए जय द्वारका धीश ने 5 विकेट के नुकसान पर 15 रनों से यह मुकाबला जीत कर मेगा फाइनल खेलेगी दर्शन इलेवन राजकोट के सामने आर आर फाउंडेशन री बड़ा। 34 गेंदों पर 77 रन बनाकर नॉट आउट है सिकंदर भट्टी। मोबाइल लेट हो गया था गाड़ी ब्रेक हो गया।